दूसरे दलों से भाजपा में शामिल होने वालों की होड़ लग जाने से भाजपाइयों में बेचैनी बढ़ने लगी है। भाजपाइयों के मन में बढ़ रही इस बेचैनी की आहट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कानों तक पहुंच गई है। भाजपा में सबसे ज़्यादा इनेलो के नेता अपने समर्थकों सहित शामिल हो रहे हैं। हालांकि इनेलो के अलावा दूसरे दलों के लोग भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनेलो में भाजपा में शामिल होने की भगदड़ मची है, उसे देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ता बेचैन हो गए हैं। देश में ताज़ा ताज़ा भाजपा की तगड़ी जीत से सरकार बनी है, इसका असर हरियाणा में 3 महीने बाद होने वाले चुनाव पर भी रहने की संभावना को देखते हुए भाजपा विरोधी दलों के नेता अपने समर्थकों सहित थोक के भाव भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा विरोधी दलों के लोगों को यह लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी, इसलिए सत्ता की मलाई चाटने के लिए इनेलो सहित दूसरे दलों के नेता धड़ धड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं को लग रहा है कि जिसकी सत्ता आएगी उसी के साथ रहने में फायदा रहेगा। इनेलो व दूसरे दलों के विधायक व दिग्गज नेता तो भाजपा में टिकट लेकर चुनाव जीतने के नियत से ही आ रहे हैं। भाजपा शीर्ष नेताओं की भी मंशा यही है कि जहां से भाजपा के पास कमजोर व जीत की स्थिति न रखने वाले नेता हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों से दूसरे दलों से भाजपा में शामिल होने वाले मजबूत पकड़ रखने वालों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। ऐसा करके भाजपा के नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने विरोधी पक्ष की चूल्हे हिलाने की नीति पर चल रहे हैं। वैसे भी दूसरे दलों के नेताओं को थोक के भाव भाजपा में शामिल कराकर भाजपा के नेता जनता में यह प्रचार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा के मुकाबले दूसरे दलों के पल्ले कुछ बचा नहीं है। ऐसा संदेश जनता को देकर भाजपा के नेता भले ही भाजपा के पक्ष में जन हवा होने का प्रचार फैलाने के प्रयास में सफल हो जाएं, लेकिन दूसरे दलों के लोगों के भाजपा में शामिल होने से भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव भर रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता एवं नेता दूसरे दलों के नेताओं के भाजपा में शामिल करने के भाजपा नेताओं के कदमों की आलोचना करने लगे हैं। भाजपा के वरिष्ठ व पुराने नेता अब पत्रकारों तक से यह पूछने लगे हैं कि जिस इनेलो के नेताओं को भाजपा के नेता पानी पीकर कोसते थे, अब भाजपा ने उन्हें कौन सी गंगा में स्नान कराकर पवित्र कर दिया है। भाजपा के नेता यह भी पूछ रहे हैं कि भाजपा में आते ही कौन सी मशीन से अपवित्र लोगों को पवित्र किया जाए। भाजपाइयों को इस बात का डर भी है कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं व कार्यकर्ताओं की वजह से भाजपा के कर्मठ व निष्ठावान लोगों की कद्र घट रही है, जो भाजपाई संस्कारवान होने की क्लासें संघ की बैठकों व कक्षाओं में लगाकर सत्ता आने की तपस्या कर रहे थे। अब सत्ता मिलने की सूरत में उन्हें कुर्सियों पर बैठने की बजाय दूसरे दलों के लोगों के आगे दरियां झाड़नी पड़ेंगी। भाजपा के कर्मठ लोग यह कहने में संकोच नहीं कर रहे हैं कि उपेक्षा होने पर चुनाव के वक्त भाजपा में भी भगदड़ मच सकती है। यदि भाजपा के लोगों को चुनाव के दौरान विपक्षी की स्थिति जरा भी मजबूत नजर आई तो भाजपा की फौज का दूसरे दलों की तरफ रुख हो सकता है। भाजपाइयों की इस पीड़ा की आहट सीएम मनोहर लाल खट्टर के कानों तक भी पहुंच गई है। तभी तो आज मुख्यमंत्री को कार्यकर्ताओं को यह कहना पड़ा कि दूसरे दलों से भाजपा में आ रहे नेताओं व कार्यकर्ताओं की वजह से भाजपा के मौजूदा कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी वे भाजपा में आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भाजपा आने में समय लगेगा। उन नेताओं को भाजपा की रीति नीतियों को समझने में समय लगेगा। दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में आ रहे लोगों के हो सकता है अभी खुद के स्वार्थ हों, लेकिन भाजपा की नीति यह है जो सभी वर्गों के हित के बारे में सोचेगा वही आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने भाजपाइयों को तो खुश करने का प्रयास कर दिया, पर मुख्यमंत्री ने दूसरे दलों से भाजपा में शामिल हो रहे लोगों के मन में पश्चाताप का भाव पैदा न होने देने की बयानबाजी भी दागने में देरी नहीं लगाई। सीएम ने कह दिया कि भाजपा का हृदय बहुत बड़ा है, जो भी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उन सबको साथ लेकर चलेंगे। अब सीएम व भाजपा के बड़े नेता भले ही भाजपाइयों के मन की पीड़ा को हरने की कोशिश करें, मगर दूसरे दलों के लोगों के भाजपा में शामिल होने का भाजपाइयों का दंश भाजपा के लिए ज्वालामुखी का रूप धारण कर सकता है। MS निर्मल, आज न्यूज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।